नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट ने शुक्रवार को रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसके बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिल रहा है। वहीं इस परीक्षा में ओडिशा के शोएब आफ्ताब ने 720 में पूरे 720 अंक लाकर टॉप किया है, तो वहीं पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के कैमा शिकोह इलाके के रहने वाले ऋषभ कुमार ने 645 अंक लाकर पटना सिटी और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। बताते चले कि ऋषभ का ऑल इंडिया रैंक में 4820वां स्थान है, तो वहीं ऋषभ का कैटेगरी रैंक 1678 है। वहीं इस सफलता के बाद ऋषभ के परिवार और समाज के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं इस खुशी के माहौल में समाज के लोगों ने ऋषभ के घर पहुंचकर मिठाई खिलाकर बधाई दिया और वहीं परिजनों ने भी ऋषभ को सफलता पर मिठाई खिलाकर बधाई और शुभकामनाएं दिया। ऋषभ ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता और बहन को दिया है। स्वर्णा के साथ न्यूज टीम की रिपोर्ट। में मैंने पूरा बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों में पूरा एनसीईआरटी पढ़ा, कोई भी बाहर का बुक मैंने नहीं छुआ, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के बुक से आते हैं और इसमें मेरे मम्मी और पापा दोनों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हमेशा मम्मी हमको बताती थी कि मतलब नहीं तुमसे होगा। जब भी हमको लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, जब मैं डर जाता था, मतलब लगता था कि अब लगता नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम में, अगर अच्छा टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है, तो मम्मी हमेशा हमको बोलती थी कि नहीं तुम ही से होगा और तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। और पापा हमको हमेशा कभी भी किसी भी चीज़ का कमी नहीं होने दिए, जो भी परेशानी जब भी आता था, कुछ भी बुक्स खरीदना हो चाहे जो भी इकोनॉमिकल सपोर्ट, या फिर हमेशा सपोर्ट किए हैं पापा। और दीदी भी हमको, दीदी से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था क्योंकि वो सीनियर हैं और बहुत अच्छा वो भी परफॉर्म कर रही थी, तो उनको देखकर हम मुझे भी लगता था कि मुझे भी कुछ अच्छा करना है। आगे क्या सोच है आपकी, आगे क्या? आगे बस मैं यही करना चाहता हूँ कि जितना भी मेरे सोसाइटी है, जो भी लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको पैसों की वजह से परेशानी होती है मेडिकल इलाज करवाने में, उनको मैं बहुत हेल्प करूँगा, उनका मैं इलाज करूँगा अच्छे से। और मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ, समाज का सेवा करना चाहता हूँ और अपने गली का, जो कि कैमा सिको, उसका नाम अच्छा रोशन करना चाहता हूँ। रहा अपने बेटे के ऊपर और किस तरह से तैयारी आप लोगों ने उसका करवाया? जब से पढ़ाई शुरू की तब से हम उसके पीछे हमेशा लगे रहे और उसको हमेशा मोटिवेट करते रहे, बेटा करना है कुछ अलग करना है, ये बात हमेशा उसको समझाते रहे। जब भी पीछे हटना चाहे हमेशा मेरा हाथ रहा, बेटा कुछ अच्छा करना है, यही उसका मनोबल बढ़ाता गया और आगे बढ़ता चला गया। पिछले बार थोड़ा सा नंबर कम आया, बहुत हताशा हुआ था, लेकिन हमने उसको बहुत समझाया, बोले नहीं बेटा अभी अंत नहीं है, तुम्हारे में बहुत काबिल है, हम तुम पर विश्वास करते हैं, मेरा भरोसा है कि तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत तुम्हारे में पोटेंशियल है, तुम करो मेहनत और तुम्हारा होगा। इसी वजह से वो रात दिन मेहनत किया और उसका अच्छा रैंक आया इस बार, हम बहुत खुश हैं इसको देखकर। क्या नाम है? मेरा उसद देवी। दे पाए। जैसा कि हम दोनों ने अपनी जर्नी सेम स्कूल से ही स्टार्ट की है, तो इसका उतार से लेकर चढ़ाव तक सारा जर्नी मेरा विटनेस किया हुआ है, तो मैंने शुरू से इसमें एक फाइटर स्पिरिट देखा है, टू नेवर गिव अप। जैसा कि इसमें देखा, सब लोग बहुत सारा प्रयास करते हैं लेकिन बहुत लोग अपने सफर को बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन अपने भाई पे मुझे इसलिए गर्व है कि क्योंकि इसने अपने सफर को बीच में ना छोड़कर उसे पूरा कंप्लीट करने का साहस दिखाया और आज जैसा कि आप देख रहे हैं उसने बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया है, जो कि हमारे पूरे परिवार को गौरवान्वित करता है वो अपने मार्क्स से। शुरू से इसका एक नेवर गिविंग अप एटीट्यूड है, इसका डिटर्मिनेशन, जो कि इसने रात रात भर भर पढ़ के अपना सारा कुछ डेडिकेट करके, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, मोबाइल्स होते हैं, डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बट उस सब को हटा करके अपने एक डिटर्मिनेशन पर फोकस करना, दैट इज द की टू सक्सेस। कितनी खुशी आप लोगों को, आपको परिवार लोगों को? बहुत ज्यादा खुशी ऐसी है कि मतलब उसको जताया नहीं जा सकता। बस यही चाहूंगी कि हमेशा, अभी तो इसकी जर्नी जैसे स्टार्ट हुई है, जैसा कि लोगों ने कहा है कि जिंदगी के अभी कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है, तो सारा आसमान अभी उसका है। क्या नाम हो? रितु सिंह।
खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।